monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में एक वीडियो प्ले होते हुए देखा, तो इस किस्म का लोअर थर्ड हम किस तरीके से बना सकते हैं काइन मास्टर के अंदर, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो तमाम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दी हुई बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। इस लोअर थर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक काइन मास्टर और एक पिक्सल लैब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्सल लैब में काम स्टार्ट करेंगे, तो पहले पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। जैसे ही मैं पिक्सल लैब को ओपन करूंगा, आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। न्यू टेक्स्ट वाला सामने आपके ये फोल्डर आएगा, तो यहाँ पर आपने डबल टैप करनी है और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है अपने चैनल का नाम। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो, अगर इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो, तो आप अपना इंस्टाग्राम भी PNG जो है वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, उसको भी आपने ऐड कर देना है। यूट्यूब के लिए अगर PNG लगानी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिटिंग फैक्ट्री अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो लिखता हूँ, इस तरीके से ओके करता हूँ। यहाँ पे इसको सेंटर में एडजस्ट करने के बाद ए पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ए बी में क्लिक करूँगा। फाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी स्टाइलिश फाउंट जो है वो मैं ऐड कर लूँ, जिस तरीके से मैंने ये वाला फाउंट ऐड किया है। इसको मैं ओके करता हूँ, साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से। और अभी दोबारा जाऊँगा यहाँ प्लस वाला आइकन पर, आपको प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूँगा। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ से जो PNG आपको प्रोवाइड करूँगा उसका लिंक आपको मिलेगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड करना है। और यहाँ से मैं यूट्यूब को ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे यूट्यूब को ऐड करूंगा, इस आइकन को यहाँ से ओके करूंगा और इस तरीके से छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करूंगा एंड पे, या आप सेंटर में स्टार्ट में या एंड पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। यहाँ से नीचे आपको फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने इसको सेव करना है, तो यहाँ ऊपर मैं क्लिक करूँगा इस जगह पर सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से PNG और नीचे अल्ट्रा में जाके मैं इसको सेव टू गैलरी कर दूँगा। ये हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट काम है वो काइन मास्टर में करना है, तो काइन मास्टर को ओपन करते हैं और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट एडिटिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने 9:16:9 वाले रेशो को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है, जो वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड किएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने वो वाली वीडियो यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं वो वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ये वाली वीडियो है, इसको मैंने ऐड कर लिया इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो है हमारे पास। और अभी क्या करना है, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे यहाँ तक जहाँ से ये वीडियो का आपको सर्कल स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे और लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, इसका कलर आपने चेंज करना है अगर, तो आपने बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आप येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसकी लेंथ को, इसको फुल करने के बाद इसके जो नीचे वाली लेंथ है इसको भी बढ़ा के बैकग्राउंड के हिसाब से ले जाएंगे। और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद आप जैसे ही इसको ओवरले पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं आपकी वीडियो का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब वो ग्रीन कलर आ चुका है। येलो को आपने ऐड किया तो ग्रीन आ गया, अगर आप ब्लू ऐड करेंगे या कोई और कलर ऐड करेंगे तो उसी किस्म का जो कलर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कलर तो ऐड हो गया। अभी हमने क्या करना है, जो हमने PNG सेव की थी, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, पिक्सल लैब वाले फोल्डर में हमारी वो PNG सेव होगी जो वाली एडिटिंग फैक्ट्री के नाम से। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ सेंटर में, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ा के एंड तक ले जाऊँगा। दोबारा स्टार्ट में जाने के बाद इसको एनिमिनेशन हम दे देते हैं यहाँ से, आप वाइप राइट हम दे देते हैं, ठीक हो गया। उसको यहाँ से ओके कर देंगे। अगर मैं आपको प्ले करके अभी दिखाऊं, तो जैसे ही हमारे सामने प्ले होगा इस तरीके से, ये इसको मैं यहाँ स्टार्ट में ले जाता हूँ, अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा जो लोअर थर्ड आप कह सकते हैं ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, हो गया जी। अभी यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम की अगर आईडी वगैरह लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ यूट्यूब की जगह अपना इंस्टाग्राम का जो PNG वो भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है, यहाँ पर हमने येलो ऐड किया था, अभी हम दोबारा येलो को ही सिलेक्ट करेंगे और कलर में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। जैसे ही आप ब्लू करेंगे, ये आप देख सकते हैं आपका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है इसका। अगर ब्लू नहीं, अगर कोई और कलर करना चाहते हैं आप, किसी और कलर पे आप क्लिक करेंगे, तो उस तरीके से कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे, आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे।
उस हिसाब से जो कलर होंगे वो आपके सामने आते जाएंगे। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से ये काम हमारा हो गया। अभी अपने सेव करना है इसको, तो जैसे ही हम इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव होकर हमारी गैलरी में हो जाएगा। तो इस यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेव होकर हमारी गैलरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अच्छा सा कॉमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह नेगेबान। There's nothing I want.